राम राम दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ नई रेसिपी होममेड चॉकलेट्स के साथ। सामग्री देखिए, मिल्क पाउडर 200 ग्राम, एक कप चीनी, आधा कप कोको पाउडर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, वनीला एसेंस की थोड़ी सी ड्रॉप्स, आधा कप पानी और एक चौथाई कप बटर। चीनी और पानी को मिलाकर गैस पर रख देंगे। हम इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। ये देखिए चाशनी तैयार है। अब इस चाशनी में हम बटर मिक्स कर देंगे। बटर रूम टेम्परेचर पर लेंगे तो अच्छा है, वैसे फ्रिज का भी चलेगा क्योंकि हमारी चाशनी गर्म है। अब इसमें बटर को मिक्स करके हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसमें कोको पाउडर भी मिला देंगे और वनीला एसेंस भी मिलाकर अच्छे से स्टिर करेंगे। वनीला एसेंस थोड़ा सा ही लेना है, 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने काम सारा गर्म में ही करना है, ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा ये जमना शुरू हो जाएगा। अब ड्राई फ्रूट्स भी डालकर एक बार विस्क करेंगे अच्छे से और इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे मोल्ड में डालने के लिए। आप स्पून से भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है। पाइपिंग बैग से थोड़ा इजी हो जाता है डालना और ये बहुत जल्दी थिक होती है, इसलिए जल्दी जल्दी करना है हमें सारा काम। ये पाइपिंग बैग से हम अपने मोल्ड्स में भर लेंगे इसको धीरे धीरे, आराम से सभी मोल्ड्स में डालते हुए अपने मोल्ड्स फिल कर लेंगे अच्छे से। और फिर भरने के बाद उसको ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। ये हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये थिक होता जाएगा एकदम से, इसके लिए हमें हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप ये बॉल्स भी बना सकते हैं। मोल्ड बनाने के लिए थोड़ी सी 1-2 मिनट की वेट करनी पड़ेगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। फिर मोल्ड को 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और अपनी चॉकलेट्स को अनमोल्ड कर लें। लीजिए, हमारी होममेड चॉकलेट्स तैयार हैं बिना डार्क कंपाउंड के।